हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्कटिक निशा ड्राइंग में। आज मैं अजंता गुफा का वर्ण विधान पढ़ाने जा रही हूँ। अजंता का वर्ण विधान। अजंता में प्रायः खनिज रंगों का प्रयोग किया ताकि चित्र चूने के क्षारात्मक प्रभाव से नष्ट न हो जाएं। रंगों में लाल, पीले, भूरे बहुतायत प्रयोग किया गया है, साथ ही सफ़ेद, हरे, काले एवं नीले रंगों का प्रयोग भी विशिष्टता के साथ किया गया है। सफेद रंग गाढ़ा, अपारदर्शी, ओपेक, यह रंग खड़िया एवं चूना पत्थर से प्राप्त किया गया था। लाल एवं भूरा रंग लोहे के खनिज रंग। पीला प्योड़ी से प्राप्त सखिया की भस्म, आर्सेनिक सल्फाइड से। पीला रंग सखिया की भस्म से प्योड़ी से प्राप्त सखिया की भस्म से बनाया जाता था। लाल एवं भूरा रंग लोहे के खनिज रंग से बनाया जाता था, लोहे से। सफ़ेद रंग गाढ़ा पारदर्शी होता था, यह रंग खड़िया एवं चूना पत्थर से प्राप्त किया जाता था। नीला रंग यह रंग अजंता में विशिष्टता के साथ प्रयोग में लाया गया तथा इसका प्रयोग अजंता की दूसरी गुफा में छठी सदी ईस्वी में किया गया। अजंता से भी पूर्व यह रंग मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ की गुफा में चौथी पांचवी सदी ईस्वी में किया गया था। इसे प्राचीन काल में फारस, पर्शिया, ईरान में आयातित किया गया था। इसे लेपिस लाजूली कहा जाता था। कुछ विद्वानों का कथन है कि इसे अफगानिस्तान के बदख्शां से भी प्राप्त किया गया जाता था। टिप्पणी जोगीमारा एवं श्रीलंका स्थित सिगिरिया गुफाओं में नीला रंग नहीं प्रयोग किया गया है। हरा रंग इसे स्थानीय पत्थर से प्राप्त किया जाता था। हरा रंग स्थानीय पत्थर से घिसकर प्राप्त किया जाता था। यह तांबे का खनिज रंग है। इसे टेरावर्ट के नाम से जाना जाता है। अजंता में वनवासियों एवं दासियों को हरे रंग से चित्रित किया गया था। साथ ही अजंता की 17वीं गुफा को गुफा में निर्मित प्रसादिका
प्रसादिका दर्पण में मुख देखती स्त्री में भी हरा रंग प्रयुक्त किया गया है। नोट, अजंता की 17वीं गुफा में निर्मित चित्र महाहंस जातक नामक चित्र अपने अनुपम वर्ण विधान के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। विषय, अजंता कला का विषय। अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए, जिनमें से जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। वस्तुतः अजंता के चित्रों का विषय अलंकरणात्मक एवं वर्णनात्मक है, लेकिन भारतीय कला विद्वान वाचस्पति गैरोला ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय चित्रकला में अजंता के विषयों को 3 भागों में वर्णित किया है। अलंकरणात्मक, राक्षस, किन्नर, वानर, पुष्प, लताएं आदि प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। यही कारण है कि गुप्तकालीन चित्रों में आलेखन की कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अतः कुछ विद्वानों का कथन है कि अजंता आलेखनों की खान है। रूप भैदिक, इसके अंतर्गत बुद्ध के जीवन मरण, आध्यात्मिक एवं धार्मिक जीवन एवं विभिन्न बोधिसत्वों का अंकन किया गया है। अलंकरणात्मक में आलेखन, किन्नर, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर रूप भैदिक, भैदिक में जीवन मरण, बुद्ध से जीवन मरण से संबंधित सारे चित्र बने हैं। फिर वर्णनात्मक, इसके अंतर्गत बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं जैसे जातक कथाओं को वर्णित किया गया है। अजंता के भित्ति चित्र, लॉरेंस बिनियन ने अजंता के चित्रों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अजंता की कला एशिया एवं एशिया की कला में वही स्थान रखता है जो जो यूरोप की कला, यूरोप में सियना की कला एवं फ्लोरेंस रखता है। नवीं गुफा के चित्र, अजंता की नवीं गुफा के चित्र। नवीं गुफा में जातक कथाएं इतनी हैं और इतने चित्र हैं। चंपे जातक, शंखपाल जातक, नारायण की प्रतिमा, कुषाण कालीन स्तूप,
पशुओं का खेदा, चरवाहों के दृश्य, नागराज अपने सेवकों के साथ, उड़ती अप्सराएं, बैठी हुई स्त्री का चित्र। 1958 में ग्रिफिथ्स ने इस चित्र को खोजा था। स्तूप पूजा के लिए जाति पुजारियों का दल, 16 मानव आकृति। इस स्तूप पूजा के लिए जाते पुजारियों का दल, इसमें 16 मानव आकृति हैं। 10वीं गुफा, जातक कथाएं। 10वीं गुफा में जातक कथाएं। श्याम जातक। विंसेंट स्मिथ इस चित्र का समय 3री सदी ईस्वी मानते हैं। इस चित्र में नायक का शरीर श्याम रंग से चित्रित है। सडंग या छदंद जातक। स्तूप अर्चना के लिए जाता राजा का दल, इसमें 10 मानव आकृति हैं। आकृति है सोलहवीं गुफा। इस गुफा का निर्माण 1475 से लेके 500 ईस्वी के मध्य वाकाटक शासक हरिशेड के अमात्य वराहदेव ने कराया था। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों की प्रतिमा बनी हुई है। साथ ही ऊपर की ओर सिंहासनारूढ़ नागराज की प्रतिमा भी है। इसी गुफा में प्रलगम्य या मुद्रा की मूर्ति भी बनी है, जिसे चैत्य मंदिरम के नाम से जाना जाता है। जातक, महाउमंग जातक, सुत सोम जातक, हस्त जातक, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध का जन्म, 7 पग चलने की कथा, बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए, और इसी गुफा में ये सब भी चित्र बने जो बुद्ध को एक बूढ़ा दिखा था, ओपीडियस एक बूढ़ा दिखा था, बूढ़ा, फिर गरीब व्यक्ति, मृत्यु, साधु। उनके जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं, ट्रिक के साथ, ओपीडियस। बुद्ध का गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आषाढ़ में गौतम बुद्ध की तपस्या, सुजाता की कथा, सुजाता से खीर ग्रहण करना, गृह त्याग, राजगृह की गलियों में भिक्षा पात्र लिए हुए बुद्ध, नंद की दीक्षा, सुंदरानंद की कथा, मरणासन राजकुमारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध का दूषित स्वर में अवतरण, राज की शोभा यात्रा। गुफा नंबर 17। इस गुफा का निर्माण भी वराह देव द्वारा करवाया गया था। डॉक्टर वर्गीश के अनुसार इस गुफा में 31 चित्र प्राप्त हुए। अजंता की समस्त गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इसी गुफा में प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस गुफा को अजंता की रंगशाला कहा जाता है। अजंता में कुल 547 जातक
का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाहंस जातक कथा है, महाहंस जातक, मृग जातक, महाकपि जातक, रुरु मृग जातक, मातृ पोषक जातक, कच्छ जातक, मत्स्य जातक, विषांतर जातक, सिंहलावदान जातक, न्यूग्रोन्ध जातक, महावलस्क जातक, सडन जातक या छदन जातक? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध का भिक्षुक रूप, माता पुत्र, माता पुत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है, राहुल का समर्पण, ये भी सात मानवी, बुद्ध, दुग्धपान कराती स्त्री, नंदलाल बसु ने इस चित्र को प्रकाशित किया था, प्रसाधिका या दर्पण में मुख देखती स्त्री, अप्सरा, उड़ती हुई अप्सराएं, गंधर्व, इंद्र का अंकन, इंद्र का सूरापान, दान देता हुआ राजा, बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, जल पोत का डूबना, नलगिरी हाथी का दमन, डंकिनियों का युद्ध, संसार चक्र, सृष्टि का दृश्य, पढ़ पढ़ चक्र, राज दरबार का दृश्य, बुद्ध एव एकाक्षी भिक्षु, दसवीं गुफा, दूसरी गुफा की जातक कथाएं। हंस जातक, शांतिवादी जातक, पूर्ण विद्वान जातक, रूरू जातक, विदुर पंडित जातक, सशस्त्र बुद्ध, 1000 बुद्ध, सर्वनाश, सुनहरे मृग की कथा, तीन नेत्रों वाले इंद्र, दो बाएं अंगूठे वाली रमणी, झूला झूलती राजकुमारी, पूर्ण इंद्रवती की कथा, पहली गुफा। पहली गुफा में जातक कथाएं। शिवी जातक, शंखपाल जातक, चंपे जातक, महाजनक जातक। चित्र मार विजय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अज्ञात कथा, युगल गंधर्व, काली राजकुमारी, इसमें नीला रंग भरा गया काली राजकुमारी में, गुलाबी हाथी, वृषभ इंद्र, शैलियों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, नित्यवादन, ईरानी दूत, खुसरो परवेज का स्वागत करते हुए, पुलकेशिन द्वितीय, वज्रपाणि, पद्मपाणि, बहुत ही इम्पोर्टेंट की ये पेंटिंग है, बोधिसत्व, वज्र नोट, वज्रपाणि के दृश्य में मुकुट में सर्वाधिक अलंकरण का प्रयोग है, जबकि पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के चित्रों में बहुजन द्वितीय, बहुजन सुखाय, अर्थात विश्व कल्याण की भावना निहित है। छठी गुफा, भिक्षु अंकन, केश संस्कार, द्वारपाल अंकन। 11वीं गुफा, तालाब दृश्य, हस्ती जातक, दैव दृश्य, ईरानी दैव, नंद की कथा, विरह में व्याकुल राजकुमारी। 9वीं गुफा,
यह गुफा आलेखनों से परिपूर्ण है एवं कपिल वस्तु में बुद्ध का प्रत्यागमन नामक चित्र चित्रित है। अजंता पर कला आचार्यों के कथन। कला समीक्षक ग्लेडस्टोन सोलोमन समस्त विश्व में नारी को इतनी पूर्ण सहानुभूति एवं श्रद्धा नहीं प्राप्त हुई है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि इसे विशिष्टता के साथ नहीं बल्कि सार तत्व के साथ चित्रित किया गया है। यह कोई व्यक्तिगत पात्र नहीं बल्कि एक नियम है। यह नारी नहीं अपितु समस्त विश्व की सौंदर्य का अवतार है। नोट: अजंता के चित्रकारों का उपस्य विषय नारी रही, उपास्य विषय नारी रही, जिसे नारी को नग्न अर्धनग्न एवं आवृत्य के अवस्थाओं में दर्शाया गया है, जो तत्कालीन समाज की आदर्शवादिता को दर्शाता है। अजंता के चित्रकारों ने नारी के चित्रण में चरम उपलब्धि प्राप्त की है। जिस प्रकार किसी साहित्य में साहित्यकार की दक्षता नारी के व्याख्यानों में आधारित होता है, उसी प्रकार अजंता के चित्रकारों ने नारी के चित्रण में अपने प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया है। अजंता की शैली समन्वयात्मक इक्वलिटी शैली के अंतर्गत आएगी। धन्यवाद दोस्तों, अजंता की टॉपिक खत्म हो गई आज। अब इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में डालूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर जो पहली बार इस वीडियो को देखेगा उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। धन्यवाद।